ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि जब हम कभी यू you नो know, अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं तो हम कहाँ तक हम आगे तक अपनी सोच को लेकर जा चुके होते हैं हम अपने पूरे फाइव ईयर प्लान बना चुके होते हैं हम अपना पूरा करियर का रोड मैप ले कर चुके होते हैं हम एक बिजनेस सेट कर चुके होते हैं या फिर चाहे वो कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना हो या फिर जस्ट अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना हो और कॉलेज को सबमिट करना हो हम अपने मन में इतने आगे तक पहुंच चुके होते हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं और हम उस जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहां पर सारी चीजें बहुत आइडियली चल रही हैं जहां पर हमारी सारी ड्रीम्स हमारे सारे गोल्स फुलफिल हो चुके हैं ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है राइट और इन दैट मोमेंट वी आर सो हैप्पी वी आर जस्ट ब्लिसफुली इग्नोरेंट दैट एक्चुअली इट विल टेक अस अ लॉट टू आईज टू सी द रलिटी एंड देन टू कन्वर्ट आर ड्रीम्स टू कन्वर्ट दैट आइडिया टू क्रिएट इट एंड देन टू एग्जीक्यूट इट बट हम अक्सर अक्सर अपने ख्यालों में मस्त हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं जब तक हमें कोई आवाज नहीं लगाता और ये याद नहीं दिलाता कि हम यू नो अपने सपनों में खोए हुए हैं एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज यू नो एटलीस्ट आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं कई बार कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है आर सो 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 मेनी पीपल फिल्ड विद मच ऑफ नेगेटिविटी डीमोटिवेटेड इन लाइफ दैट उनके लिए वो सोच पाना ही मुश्किल है बट एक्चुअली दैट्स नॉट इट राइट हमें भी कई बार ऐसा पता होता है कई बार जब हम आगे के फाइव प्लान या कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं हमें भी पता होता है कि हम वो फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोर हो जाएंगे वी विल लैक दैट मोटिवेशन दैट वी हैड एंड यू नो कई बार हम ऐसे बातें भी करते हैं कि अरे वो टाइम था यू you नो know, वो तब हम अलग ही मोटिवेटेड हुआ करते थे अब नाउ वी यक टू रियालिटी एक्चुअली इट्स नॉट दैट were dreaming about something and now you're back to reality because आप तो सेम ही थे आपका एनवायरमेंट सेम था सब कुछ सेम था right? But just because उस टाइम पे आपके सोचने पर कोई रोक नहीं थी तो you just expanded your Uh, your your you know your thought process into horizons that probably in reality you can't think of and that is not because you are incapable that's because you don't know or you have not bridged that gap between your creative mind and your logical mind so we all know that you know there are two paths there are two uh, paths to our mind one is

आ लॉजिकल माइंड स्टार्ट टू फंक्शन और फिर हमें अपनी हज़ार चीज़ें नजर आती हैं बहुत सारी ऐसी पर्सनल ट्रेड्स हमारे बाहर आ जाते हैं जैसे कि बोर हो जाना अपने काम को बीच में छोड़ देना इग्नोरेंस रेकलेसनेस reck बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमें फिर उस गोल तक पहुंचने पे रोकती हैं सो एक्चुअली इफ यू वॉन्ट टू मेक प्लान इफ़ यू वॉन्ट टू मेक गोल्स एंड यू वॉन्ट टू स्टिक टू दैम यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट वी मेक इज टू थिंक अबाउट नो द बिगेस्ट हर्डल और द बिगेस्ट इशू द बिगेस्ट प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है दैट वी स्टार्ट टू सी इट एज बिगर देन आर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको यू नो द फर्स्ट थिंग दैट यू सीज द डेड लाइन एंड दो फिफ्टी स्लाइड यू हैव टू राइट वेयर एज टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन योर क्रिएटिव ब्रेन एंड योर लॉजिकल ब्रेन टू ट्रिक योर ब्रेन इन टू एक्चुअली बिलीविंग की जो आप सोच रहे थे वो सच भी है

हमारी आदतें कि हम एक साथ बैठकर कर दो घंटे कमिट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम चाहें तो हम वो चीज़ दो घंटे तीन घंटे जो एक्चुअल उसका रिक्वायर्ड टाइम है उस टाइम में हम वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं बट जब हम उस चीज़ को करने पे बैठते हैं तो हम बोर हो जाते हैं हमारी आदत है कि हम दस बार उठते हैं पानी पीने जाते हैं घूम आते हैं हम एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड बैठ नहीं पाते नॉट बैड बिकॉज नो बडी इज आस्किंग कि तीन घंटे बैठ लिखना ही सही है पर वो ट्रिवियल चीजों को उन ट्रिवियल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग दैट स्लाइड एंड यू हैव टू मीट दैट डेड लाइन एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट फोकस ऑन दीज ट्रिवियल थिंग्स इफ यू थिंक दैट यू आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड चूज अ रूम विच इज क्वाइट चूज अ रूम जहां पर यू you नो know, आप लॉक कर सकते हैं जहां पर कोई बार बार अंदर नहीं आता जहां टीवी की आवाज नहीं आती जहां लोगों के चलने फिरने की चहल पहल नहीं होती क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं किचन में क्या हो रहा है कौन गेस्ट आया टी टीवी पर क्या रहा है चाहे आप कभी न्यूज देखते हो या ना देखते हो लेकिन उस टाइम पर अगर टीवी चल रहा है यू हैव टू गो इन वॉच द न्यूज सो नोटिस दीज ट्रिवियल थिंग्स द डेवल एस दे से लाइज इन द डिटेल्स राइट सो डोंट कमिट योर सेल्फ टू फुलफिल दैट बिग गोल कमिट योर सेल्फ टू दोल प्लान कि अगर आपको लगता है कि आप कमरे से दस बार उठ कर जाते हैं क्योंकि आपको खुली हवा चाहिए होती है हर दस मिनट में सो कमिट योर सेल्फ टू राइटिंग यू नो से थाउजेंड वर्ड बिफोर यू एक्चुअली टेक दैट वन वॉक एंड डू दैट फुलफिल दैट एंड देन डिजर्व दैट ब्रेक फॉर योर सेल्फ और धीरे धीरे यू you नो know, शॉर्ट एंड दैट ब्रेक टाइम फॉर योर सेल्फ अगर आपको लगता है कि आप दस बार उठ के बाहर जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप छह बार जाए देन कन्वर्ट दैट सिक्स इंटू फाइव देन कन्वर्ट दैट फाइव इंटू टू देन कन्वर्ट दैट टू इंट जीरो एंड दैट इज हाउ यूल सी योर कॉन्सेंट्रेशन कमिंग बैक दैट इज हाउ यूल सी योर फोकस कमिंग बैक अब ऑफकोर्स ये आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कम्स टू यू नो मेकिंग दो गोल्स मेकिंग दोज प्लान किसी आइडिया को क्रिएट करने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक दैट इज वे प्रोसेसेस आर रेलिवेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी ऑल आर मेकिंग सो रिकोगनाइज दैट दैट डोंट फोकस ऑन द बिगर पिक्चर फोकस ऑन दो स्मॉलर स्टेप्स फोकस ऑन द मोस्ट रिवील थिंग्स अगर आप कोई हैबिट बनाना चाहते हैं फिटनेस हैबिट बनाना चाहते हैं तो कीप योर फिटनेस इंस्ट्रूमेंट्स नियर यू Stay where you know you're motivated. Stick pictures around you that will not only help you to be in a fantasy world but that will constantly remind you of your goal. That is why these small things contribute to bigger changes. So, focus on smaller things that will help you because when you address the smaller things, it will address the smaller causes. And these are the you know, these are those smaller causes that stop. Um, a लार्जर प्रोजेक्ट और a लार्जर गोल to be fulfilled. सो आई थिंक इफ यू नोटिस की क्या ऐसी वो चीजें हैं जो आपको रोकती हैं आप उस काम को ज्यादा आसानी से कर पाएंगे एंड you'll बी एबल टू स्टिक टू इट कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद पता होता है कि हम ये चीज आगे जाकर नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपनी आदतें पता होती हैं हमें अपनी सिचुएशन अपनी सर्कमस्टांसिस अपने घर का माहौल पता होता है So, try and address these smaller, these finer points, and you will see the difference.